अक्टूबर 2023 का भविष्यफल। महीने के 30 दिन कैसे बीतेंगे? अक्टूबर माह में कैसी रहेगी सेहत? काम कारोबार में मिलेगी कितनी तरक्की? होगा अपार धन लाभ या फिर आएगी गरीबी? भाग्य के बल पर क्या कुछ पाएंगे? रिश्तों के लिए कैसा बीतेगा अक्टूबर माह? धर्म ज्ञान पर देखिए नवंबर मासिक राशिफल 2023। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य महेंद्र शर्मा जी। महेंद्र जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी, सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। हमेशा की तरह इस बार भी हरिद्वार से हम आप लोगों के लिए लेकर आए क्या कहते हैं आपका मासिक राशिफल 2023। बात करेंगे आज हम अक्टूबर माह की। अक्टूबर महीने के 31 दिन मकर राशि, मकर लगन वाले लोगों के लिए कितना बड़ा उनके जीवन में परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। 31 दिनों में क्या कुछ है आप लोगों के हासिल करने के लिए? अपनी मेहनत के बल पर, अपने भाग्य के बल पर आपको क्या क्या मिलेगा इस महीने? इस महीने आपकी हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ सब कुछ ओवरऑल कैसी रहेगी? राहु केतु भी बदल रहे हैं और साथ ही साथ गुरु की चाल में भी बदलाव आएगा, लेकिन इनकी स्थिति में यही परिवर्तन आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है, किस प्रकार से, मैं जी से जानते हैं। मैं जी, ग्रह स्थिति के बारे में सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी इनके लिए। देखिए, आज हम बात करेंगे काल चक्र की दसवीं राशि मकर राशि के बारे में, जिसके स्वामी शनिदेव है। अब मकर राशि के ऊपर क्या ग्रह स्थिति चल रही है पहले वो बता दें, उससे पहले प्रेडिक्शन बताएं। देखिए, प्रथम भाव में अभी आपके कोई ग्रह नहीं है, दूसरे भाव में आपका शनि विराजमान है जो वक्री अवस्था में चल रहे हैं जी, और साढ़े साती का ये अंतिम दौर है, तो जाते जाते शनि जो हम कहते हैं कि अब लाभ देना शुरू करते हैं। तीसरा भाव खाली, चौथे भाव में राहु और गुरु की युति है जी। ये चांडाल दोष जो है ये केवल 30 अक्टूबर तक रहेगा, उसके बाद राहु राशि परिवर्तन करके यहाँ 30 अक्टूबर के बाद आ जाएंगे, तो ये मकर राशि वालों के लिए एक बहुत बड़ी राहत रहेगी। यानी कि अक्टूबर माह से ही परेशानियां जो है समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। पंचम षष्ठ भाव खाली, सप्तम भाव में शुक्र है, ये शुक्र जो है यहाँ पर आ जाएंगे 1 तारीख की रात को जी, और जो अष्टम भाव में आपको बुध दिखाई दे रहे हैं ये आपको 2 तारीख को यहाँ पर मिलेंगे सूर्य मंगल के साथ, और अभी नवम भाव में सूर्य मंगल की युति रहेगी, सूर्य 15 तारीख के बाद बदलेंगे और मंगल 8 तारीख के बाद। दशम भाव में आपके केतु है, अब ये केतु जो है यहाँ से प्लेसमेंट चेंज करके आपका ये आ रहे हैं उल्टी चाल, वक्री चलते हैं, वक्री ग्रह राहु केतु ये आपके आ रहे हैं भाग्य स्थान पर, ये समझिए आप भाग्य स्थान पर आपके केतु आ जाएंगे 30 अक्टूबर को, और 11वां और 12वां भाव आपका खाली रहेगा जी। तो मकर राशि वालों के लिए ये जो महीना रहेगा ये काफी बेहतर रहता हुआ नजर आ रहा है, खासकर इनके काम कारोबार के लिए। बिल्कुल, और जो ये देखिए आप एक लंबे समय से साढ़े साते के प्रभाव में हैं और अभी भी चल रहा है क्योंकि अंतिम दौर से आप लोग गुजर रहे हैं और परेशानियां बहुत हैं, दिक्कतें बहुत हैं, लेकिन क्या अब आने वाला समय इन परेशानियों का, इन दिक्कतों का समाधान कर रहा है? मैं जी से जानते हैं। सबसे पहले मैं जी, स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों से जो ये जूझ रहे हैं क्या लगता है इस बार राहत मिलेगी? देखिए, चतुर्थ भाव में जब से 22 अप्रैल 12 अप्रैल से ये राहु और गुरु की यहाँ युति हुई है ये इनके लिए एक माइनस पॉइंट है, मतलब ये हेल्थ इशू देता है। चतुर्थ भाव हमारे गले छाती का भी हो, गले छाती से संबंधित परेशानियां इनको परेशान कर रही है जी। काम कारोबार में अस्थिरता है राहु के चलते, घर परिवार में वाद विवाद की स्थिति है, धन संचय उतना नहीं हो रहा है, उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है, जीवन में सुख चैन शांति नहीं है जी। गुरु चतुर्थ भाव में सुफल नहीं दे पा रहे हैं राहु की वजह से, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद से बड़ी राहत मिलेगी जी। तो इसलिए अभी सेहत का थोड़ा ध्यान रखें इस महीने में, इस महीने में छोटे मोटे हेल्थ इशू परेशान करेंगे, उसके अलावा कोई बड़ी गंभीर समस्या तो नहीं है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, लेकिन सेहत का आपको ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा आपकी बार आपको। मैं ये स्टूडेंट्स के लिए मैं जानना चाहूंगी, अब तक जो कुछ ना कुछ वजह से इनका बाहर जाना रह जा रहा था, कहीं ना कहीं पढ़ाई में भी इनको दिक्कतें आ रही थी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स नहीं निकाल पा रहे, तो अब क्या लगता है आगे समय इनका कितना साथ देगा? देखिए, छात्रों के लिए अक्टूबर का महीना थोड़ा सा चैलेंजेस भरा है, अभी भी है जी, मन आपका पढ़ाई लिखाई में नहीं लगेगा इस महीने, क्योंकि सूर्य केतु की फिर युति हो रही है, तो इसलिए शिक्षा परीक्षा में थोड़ा व्यवधान ही रहेगा, मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो ही आपके लिए चीजें कुछ बेहतर होती हुई नजर आ रही है। तो छात्रों बिल्कुल भी मकर राशि वाले जो है बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, अन्यथा तो छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
और जो क्या कहते हैं कि साढ़े शादी का प्रभाव रिश्तों पर भी पड़ता है, तो जो मानसिक तनाव से ये लोग अब तक गुजर रहे थे, क्या लगता है रिश्तों में अब एक खूबसूरत मोड़ आने वाला है? कितने नए रिश्ते भी इनसे जुड़ेंगे आने वाले समय में? देखिए, आने वाले समय में इनके लिए, घर परिवार के लिए, फैमिली लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए काफी अच्छा समय रहेगा। 30 अक्टूबर के बाद से वैवाहिक जीवन भी अच्छा चलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, आपकी माताजी की सेहत में भी सुधार होगा और घर परिवार में भी सुख शांति का माहौल रहेगा। तो मकर राशि वालों के लिए ये समय काफी अच्छा रहेगा, लेकिन इस महीने थोड़ी सी उठापटक बनी रहेगी, खासकर 30 तारीख तक। चलिए, अब तक हमने बात की आपकी हेल्थ को लेकर, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, स्टूडेंट्स के बारे में भी जाना, और अब मकर राशि मकर लगन वाले लोगों के प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करेंगे। जानेंगे कि आपका जो काम कारोबार है, जो आपकी नौकरी जहां आप कर रहे हैं, वहां अब आपको कितने तरक्की मिलने के अवसर मिलेंगे, अब आपको आगे सब कुछ कैसा रहेगा, काम काज आपका, बताइए मैम जी। देखिए, काम कारोबार के दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए बहुत ही उत्तम है। सूर्य की स्थिति बहुत बलवान है महीने में, चंद्रमा की स्थिति भी बहुत बलवान है, तो जो भी कोई कार्य में हाथ डालेंगे वो लाभ मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज है। बिल्कुल, अगर आप नौकरी ढूंढना चाह रहे हैं, आप बेरोजगार हैं, नौकरी परिवर्तन करना चाह रहे हैं, तो यहाँ आपको अच्छे खासे मौके मिलेंगे। नौकरी परिवर्तन का योग बनता हुआ नजर आ रहा है, स्थान परिवर्तन का योग बनेगा, काम कारोबार में सफलता मिलेगी, व्यापार में लाभ मिलेगा, व्यापार अच्छा चलेगा, रुका हुआ व्यापार भी अब धीरे धीरे गति पकड़ने लगेगा। तो कुल मिलाकर ये समय आपके लिए काफी अच्छा कहा जा सकता है, बिजनेसमैन लोगों के लिए खासकर। चलिए बात करते हैं आपके धन धान्य के मामले में, क्योंकि काफी बार मकर राशि से जुड़े लोगों के कमेंट्स भी आ चुके हैं कि आर्थिक तौर पे बड़ी कंगाली छाई हुई है, तंगी से जूझ रहे हैं, क्या लगता है मेंगी? अब थोड़ी सी इनकी जेब भरनी शुरू हो जाएगी, तिजोरियां भरनी अब शुरू होंगी। देखिए, धन लाभ के लिए समय जो है वो धीरे धीरे बेहतर हो रहा है पहले के मुकाबले, और ये महीना काफी बेहतर रहेगा। धन लाभ होगा, धन संचय होगा और आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत रहेगी। कुल मिलाकर समय आपके लिए काफी अच्छा है पैसे के लिहाज से। कई प्लॉट खरीदना है, जमीन खरीदनी है, मकान खरीदना है, कोई दुकान खरीदनी है या गाड़ी खरीदनी है, तो ये समय अब आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। और अगर उधारी देनी है किसी को, क्या लगता है देना चाहिए? उस चीज से भी बचना चाहिए, साढ़े साथी का दौर है। मैं सलाह दूंगा कि किसी को पैसा उधार देने से बचना चाहिए। मैं जी, भाग्य लोगों का कितना साथ देगा अब? देखिए, इस महीने भाग्य प्रतिशत जो है तकरीबन 85-90% इनके साथ है, तो भाग्य के बल पे रुके हुए कार्य भी पूरे होंगे, कुछ नई शुरुआत भी होती हुई नजर आ सकती है। तो जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी के काम से जुड़े हुए, उनको विशेष लाभ मिलेगा। कह सकते हैं कि महीना अच्छा है, भाग्य अच्छा साथ देगा। चलिए, अब तक मैं जैसे ओवरऑल हमने आप लोगों के बारे में जाना, मकर राशि मकर लगन वाले लोगों के बारे में, कि अक्टूबर की शुरुआत आप लोगों के लिए कितनी शुभता लेकर आ रही है और कितना बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में लेकर आएगी, जाते जाते क्या कुछ उपाय हैं जो अभी भी आपको करने बहुत ज्यादा जरूरी है? देखिए, उपाय के तौर पर इस समय क्या करें, गणेश जी की आराधना करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और बुधवार के दिन बहते जल में नारियल प्रवाहित करें या मंदिर में रख दें। बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में आपको क्या करना है कि चने की दाल या गुड़ का दान करना है, जिससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन शनि चालीसा पढ़ें और शनि का दान करें, जिससे आपको कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। चलिए, इसी के साथ मुझे मयंक जी को, हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।